जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हमने लेके आया है पटवारी एग्जाम 2023 के 29 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आज भी लेके आए और कल की सेकेंड शिफ्ट के भी हमने जो क्वेश्चन छूट गए थे 20 क्वेश्चन वो भी लेके आए हैं। इसके अलावा देखिए, आपको इसी तरीके से अगली अगली शिफ्टों में जो आपकी पिछली शिफ्ट रहेगी उनके क्वेश्चन लेके आएंगे। हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं है समय पर, तो हम जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको दे देते हैं, उसके बाद अगली शिफ्टों में अब वो क्वेश्चन आप सभी को देंगे। और आप सभी के लिए जल्द ही जो आपका रीजनिंग MP कॉन्स्टेबल एग्जाम का और मैथ जो हुआ था MP कॉन्स्टेबल एग्जाम का, इसका फुल सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है लगभग एक दिन बाद आपका। जैसा मैंने कहा था कि जल्द ही पटवारी एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम MP कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से सभी चीज़ फ्री आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो कल से ही आपकी क्लास देखने को आपको मिल जाएगी। तो देखिए, बने रहे, चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले जितने भी एग्जाम है, व्यापम के हो, SSC के हो, रेलवे के हो, देखिए मैथ रीजनिंग तो आपका कॉमन रहती है और आपको बेस्ट ट्रिक से समझाएंगे जो कोई भी आपको नहीं बताता होगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे जिस तरीके से हमने सीखा था, उससे भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, क्योंकि हमने जो सीखा उससे आपको कुछ गुना अच्छा ही सिखाने की हम सोचेंगे। चलिए यहां पर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राजू, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर पूछा क्या गया था क्वेश्चन कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के 2022 से अब तक मतलब अध्यक्ष कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, हमने डायरेक्ट ऐसा लिख लिया है कि डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो 2022 से अब तक पूछा था कौन बने रहे हैं, तो डॉक्टर एस राजू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रेम का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, किसका रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेम का फुल फॉर्म होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब रोम का भी सुन लीजिएगा, क्योंकि रोम का तो अभी पूछा गया है हाल ही में कुछ शिफ्टों पहले। तो देखिए, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी होता है। और रेम का क्या होता है? रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ हम आपको इन्हीं दो में मुख्य अंतर बताने वाले हैं। देखिए पहले कि रैम और रोम में क्या बड़ा अंतर होता है, तो रोम में डाटा बिना पावर के भी सेव रहता है। जो रोम होता है इसमें डाटा जो रहता है आपका, जैसे स्टोरेज जो रहती है वो क्या होता है, बिना पावर यानी बिना लाइट के भी सेव रहता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता, जैसे लाइट जाती वैसे ही कट जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने दिया गया है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प पूछा था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, फूल बताना था यानी कि पुष्प बताना था कि कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प जो है या फूल, वो सापला या कुमुद का फूल है। तो बांग्लादेश का जो सापला या कुमुद है वो राष्ट्रीय फूल है, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था XML का फुल फॉर्म क्या होता है, XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। एक कार्बन परमाणु के सबसे भारी संयोजकता खोल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे आर्कटेक्ट विन्यास को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आपने कभी सुना होगा आवर्त सारणी में यह फार्मूला। तो देखिए क्या होता है, 2, 8, 18, 32, ये आपको पता होगा। तो पहला कॉलम 2, अगर देखिए जैसे कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है, तो 6 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं हम, पहला 2, देखिए एक चक्र होता है पहले, इसमें 2 कार्बन परमाणु भराएंगे तो एक यहाँ भरा जाएगा, एक यहाँ भरा जाएगा। अब इसी तरीके से जो दूसरा रहेगा ना, दूसरा वाले गोले में कितना आएगा, 8 आएगा, पहले वाले में 2 आया था, दूसरे वाले में 8 आएगा, तो हमने 2 तो भर दिया, अब बचे 4, तो 4 इसमें ही भराएंगे, तो ये 4 इस तरीके से भराएंगे जैसे ये। अब यहाँ पर 4 तो बाकी है ना, तो जो बाकी रह जाते हैं मतलब कि जो दूसरे से साझा करते हैं संयोजकता, दूसरों से साझा करते हैं, उसकी जो आपको वेलिसिटी बताना, मतलब कितनी संख्या उसकी रह गई है, तो 4 अभी बाकी है ना, क्योंकि 8 थे, 8 में से 4 ही भराए हैं, 4 बाकी है, तो यही इसकी संयोजकता होती है कि अंतिम कोष में जो उनके परमाणु खाली रह जाते हैं उतने ही उसकी संयोजकता होती है। तो 4 खाली रह गए तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अगर आप अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि कोई भी संयोजकता पूछ
पूछे तो ये याद रखना है 2, 8, 18, 32 ये होता है आवर्त सारणी के पूरे कोष को भरने के लिए। तो देखिए अगर पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का किस आवश्यकता कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की सभी को पता है 2 होगी, ठीक है, कितनी होगी 2 होगी, और अधिकतम या कम से कम संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, इससे ज़्यादा संयोजकता नहीं होती, 4 से ज़्यादा संयोजकता कभी नहीं होती है, या तो उससे कम होगी या तो 4 तक जाएगी, 1, 2, 3, 4 बस, इससे ज़्यादा संयोजकता कभी नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है इसलिए इसके इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। ये पूछा गया था किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कोई भी नाभिक है, समझिए ध्यान से, जैसे ये नाभिक है तो नाभिक में देखिए पहले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस पर क्या होता है माइनस आवेश होता है, इस पर प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और ये क्या होता है उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। और इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कि जैसे हमने बोला कार्बन की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक 6 है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 6 होगी, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी 6 होगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परंतु न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है या तो घट जाती है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन, जो तंत्रिका कोशिका होती है इसको कौन सा विटामिन प्रभावित करता है, तो विटामिन B12 जो होता है ना वो तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है। विटामिन B12 की कमी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बन सकती है। विटामिन B12 की कमी से हमारे जो तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित होता है, तो इतना आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इसमें बीमारियाँ किसी से बीमारियाँ नहीं फैलती है, तो देखिए चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था ना मास्क लगाने से बीमारियाँ नहीं फैलती है, जो चार ऑप्शन दिए गए तो उसमें मास्क लगाने से बीमारियाँ नहीं फैलती, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता है, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर इस खिताब को जीता है, और लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया इसी के साथ। देखिए इसमें दो अवार्ड आपको याद रखना पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दो अवार्ड मेन होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, फीफा वर्ल्ड कप से दो अवार्ड, जैसे कि गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन बूट अवार्ड, तो गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी को दिया गया था, ये कहां से है अर्जेंटीना से है। गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया था, किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था, ये फ्रांस के है, इनकी कहानी बहुत ही फेमस है, आप लोग अगर सर्च करके गूगल पे देखोगे तो। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए, वैराग्य संदीपनी किसकी एक प्रमुख रचना या कृति है, तो वैराग्य संदीपनी जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, रचनाओं से 3 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें मिली है वैराग्य संदीपनी किसकी एक प्रमुख रचना है, तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि आप लोग इन सभी की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक नीचे दी गई है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगी, इसके अलावा जितनी भी आपकी एनालिसिस की PDF होती है वो रात को 9 बजे आपकी वहां पर मिल जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, परंतु PDF में आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, मैं आपको ना इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, और इसके अलावा जैसे कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी चीज आपको वीडियो में ही पता चलेगा, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखना हो तो PDF के जरिए देख सकते हैं, परंतु यहां जरूर सुने क्योंकि यहां आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं और क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं ये भी चीज बताता हूं, क्या अदर चीज पूछी जाती है इसके अलावा भी आपको बताया जाता है, तो PDF में इतनी चीज नहीं लिखी होती है, तो PDF आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जैसे सभी की रिक्वायर्ड रहती है कि सर PDF दे दीजिए एनालिसिस की, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएगी, परंतु आपको यहां पर डिटेल में हर चीज बताई जाती है, इसे जरूर सुने, ये सभी चीज आपके काम के लिए रहती है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि MP कोलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 से मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ रहे हैं, जिस दिन आपका एनालिसिस यानी कि आपकी आंसर की आएगी ना, पटवारी और MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के दोनों के पेपर हम साइड में रखेंगे और आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ रहा है, इससे बाहर नहीं आया था। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, यदि MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अखबारी के भी पेपर आपको ऑल शिफ्ट के देखने को मिलेंगे, सभी शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर ऑल टोटल आपको नीचे PDF मिल जाएगी। चलिए देखिए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। उत्तराखंड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में जाना जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किस अंग का सही तरीके से कार्य न करने के कारण पीलिया रोग होता है? तो इसको देखिए, समझिए इसमें क्या बोला गया। जैसे कि लीवर, इसका क्या हो जाएगा? यकृत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो वह खून में बिलीरुबिन नामक गंदे पदार्थ का निर्माण करता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पदार्थ, यकृत किस पदार्थ का जब स्त्रावण करता है तो पीलिया रोग होता है, तो बिलीरुबिन नामक पदार्थ स्त्रीवित होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। खून में इस पदार्थ के बढ़ने से आंखों और नाखून में पीलापन नजर आता है। इस पदार्थ की मात्रा अधिक होने से पीले रंग हरे रंग में बदल जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि बिलीरुबिन जो पदार्थ है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो पीला रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब आप लोग कहते हैं डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। अभी ऐसा पूछ लिया, बिलीरुबिन पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है तो पीला रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यही चीज़ बताई जाएगी जो काम की चीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का सूत्र क्या होता है? तो वेग का जो सूत्र होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने सभी सही क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे कैंडिडेट कुछ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, तो मैं उनको उन सभी के स्क्रीनशॉट लेके रख रहा हूँ। जिस दिन आंसर की आएगी ना, उन सभी की नीलामी की जाएगी, बदनामी की जाएगी ना, एक तरीके से हंसी उड़ाना चाहिए। जो क्या कहते हैं, कामयाबी पे दूसरे पे हंसते हैं ना, उन्हें दिखाना चाहिए, जभी तो वो लोग नीचे गिरेंगे। तो देखिए उन सभी के मैं कमेंट के स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ ताकि उनको प्रूफ के साथ दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने आज तक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के जितने भी एनालिसिस कराए थे, परफेक्टली क्वेश्चन अभी भी कि आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अबकारी में भी देखिए उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखेगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, परंतु क्वेश्चन आपको सही दिए जाएंगे। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कब रखा गया था? तो वर्ष 2002 में रखा गया था। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा, बिल्कुल राइट, सभी ने करके आया होगा, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था राजमाता विजय राजे शिंदे टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो देखिए ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि किस स्टेडियम में क्रिकेट का मुख्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वानखेड़े स्टेडियम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय जो बीसीसीआई है, इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन 1928 में अंतरिम नियंत्रण बोर्ड के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए इसमें आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में हेलोजन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो हेलोजन समूह किसे कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा कि आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग होता है इसे हेलोजन समूह कहा जाता है। 18वें वर्ग को गैसी समूह कहा जाता है। पहले वाला जो वर्ग होता है उसे क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ऐसे आपको सभी वर्ग के नाम भी याद रखना है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए हेलोजन तत्वों के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश घटने के कारण परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगर ये पूछा गया हो परमाणु त्रिज्या तो मान बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या पूछा गया हो तो मान बढ़ता है। जबकि आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर आयनन ऊर्जा पूछा होगा तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में नीचे से नीचे की ओर जाने पर पहले क्लोरीन तक बढ़ता है फिर घटता है। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था वुमेन एशिया कप 2022 फाइनल, वुमेन्स एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशिया कप का ताज अपने नाम किया। तो इस प्रकार से पूछा गया था एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, श्रीलंका को हराकर जीता है। अब देखिए एक ऐसा पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत मानव
सर्वाधिकार संबंधित है। तो जो मानव अधिकार होते हैं ना, ये तो सभी को पता है कि 14 से लेकर 35 तक, जितने भी देखिए 14 से 32 तक या 12 से 35 तक जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं 12 से 35 तक, तो हमें कंफर्म करके बताया कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगाना होगा कि कौन सा, तीन करते होंगे, एक नहीं करता होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। तो 8 जिले पहली बात तो साझा करते, एक तो बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये सभी महाराष्ट्र के साथ लगते हैं। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था। देखिए इसके अलावा आपको कल की शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैं बताने वाला हूँ, नीचे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन बताऊंगा कल की शिफ्ट के, तो देख के जरूर जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो एनालिसिस के क्वेश्चन वो भी दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 52 ताश के पत्ते में से एक साथ दो काले पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा गया था। कौन सा वार्णिक छंद है, यह आपको बताना था। छंद के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था वार्णिक छंद के, उसमें बताना था कौन सा वार्णिक छंद है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण पूछा था। रचनाओं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अधिकतर, तो रचना जरूर देख के जाए। अब देखिए कल की जो सेकेंड शिफ्ट थी 28 मार्च की, उसमें देख लेते कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और उसके बाद देखिए अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवा प्रदान होती है, और यहाँ पर देख सकते हो जैसे बॉलीवुड पार्स गायन जो शान का नाम क्या है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है। इसके बाद देखिए जो मध्य प्रदेश में देवी सती का जो हार गिरा था कहाँ गिरा था। तो मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन कल अच्छी डिटेल में बता दिया था, परंतु हमें ये बाद में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिले तो हमने सोचा आपको सभी बता दें। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का वायसराय कौन था। इसके बाद देखिए डागर बंधुओं को उनके किस नाम से जाना जाता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता था। एक मुखी दत्त मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। इसके बाद देखिए जैसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको बताया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, ये भी बताया था। पेड़ों को हटाने से क्या होता है, तो पेड़ों को अगर काट दिया जाएगा तो वर्षा यानी कि जो होती है वो कम होती है, तो इससे आप सभी समझ सकते हैं जहाँ पेड़ ज़्यादा रहते हैं घना जंगल रहता है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा की कमी होती है, इसी प्रकार से होगा। रक्त प्लाज्मा में पानी की अनुमति तो मात्रा कितनी होती है, तो आपको यह बताना था। पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर काम करता है। वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो रेन गॉग आपको बताया था कल। वर्षा मापी रेन गॉग कहते हैं इंग्लिश में। रबल के वल्कनीकरण में प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है। दांतों का क्षय होने पर मुँह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे.जे. थॉमसन ने की थी। लंबाई का एसआई मात्रक आपको बताना था मीटर होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।